रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर का विद्रोह भले ही शांत हो गया हो, लेकिन माना जा रहा है कि इसने रूस की कमजोरियों को जग जाहिर कर दिया है। आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था। हालांकि प्रिगोजिन ने अचानक क्रेमलिन के साथ समझौता कर पीछे हटने और बेलारूस जाने का ऐलान कर दिया। प्रिगोजिन को बेलारूस में निर्वासन में रहना होगा। ये एक ऐसा देश है जहां भागी तेवर उनके अपने वतन यानी रूस से भी ज्यादा अस्वीकार्य हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये समझौता कराया है और उन्होंने ही इस संबंध में मामूली जानकारी दी है। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इन घटनाओं को असाधारण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 16 महीने पहले पुतिन यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने को तैयार थे और अब उन्हें उस व्यक्ति के नेतृत्व वाली सेनाओं से मॉस्को की रक्षा करनी पड़ रही है जो कभी उनका शिष्य था। ब्लिंकन ने कहा, मुझे लगता है कि हमने रूस की दीवार में और ज्यादा दरारें उभरती देखी हैं। उन्होंने कहा, अभी ये बताना जल्दबाजी होगी कि आगे की दशा और दिशा क्या होगी, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास कई सवाल हैं जिन्हें आने वाले हफ्तों या महीनों में पुतिन को सुलझाना होगा। फिलहाल ये साफ नहीं है कि 24 घंटे के विद्रोह का यूक्रेन में युद्ध पर कोई खास असर होगा या नहीं। हालांकि इसकी वजह से रूस के लिए लड़ने वाली कुछ ताकतें युद्ध के मैदान से जरूर हट गई हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रविवार को उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि रूस में वापस लिए जा चुके विद्रोह ने पुतिन के शासन की कमजोरियों को उजागर किया है। फिलहाल यूक्रेन के सहयोगी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन को रूस के लगे झटके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और जहां भी मौका मिले वहां रूस को पीछे धकेलना चाहिए।